अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक है, मैं भी अच्छी हूँ। आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने। आज की वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ इफ्तार की वीडियो। आज मैं बनाने वाली हूँ, पहले मैं बनाने वाली हूँ कस्टर्ड पुडिंग। यहाँ पर लिया हूँ मैं 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, दूध के साथ मिक्सिंग कर लेती हूँ। थोड़ा सा दूध डाल दिया मैंने, मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। ये मिक्सिंग बहुत ही अच्छे होना चाहिए, तो देखते रहिए मेरे वीडियो। आज मैं 5-6 दिन बाद में वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। ऐसा तो आप लोग जानते ही हैं, रोज़े में ब्लड प्रेशर थोड़ी सी लो हो जाता है, इसी कारण मैं वीडियो शेयर नहीं किया। 5-6 दिन गैप हो गया। आप लोगों को मैं, व्यूअर्स को मैं सॉरी बोल रही हूँ। देखते रहिए मेरी वीडियो। एक कटोरी पे मैंने ऑयल लगा दिया था पहले, इस पे नीचे मैं रख दिया पहले 4-5 पीस टूटी फूटी। ये होम मेड टूटी फूटी है, मैं घर में बनाया था, वीडियो भी शेयर किया था। उस पे डाल पर कस्टर्ड को मैंने फ्रिज पर रख दिया 1 घंटे के लिए। यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ चिकन। चिकन की 2 डिश बनाने वाली हूँ। चिकन मैरिनेट कर लेती हूँ मैं दही से। ये बनाने वाली हूँ मैं चिकन करी, अदरक लहसुन और दही से मैरिनेट कर लिया। यहाँ पर दूसरे बर्तन में मैं बोनलेस चिकन लिया हूँ कुछ छोटी छोटी पीसेस में। ये एक दूसरी डिश है, मैं फ्राई कर लूँगी इसको, क्रिस्पी फ्राई करने वाली हूँ, एक दूसरी डिश बनाने वाली हूँ। यहाँ पर प्याज मैंने पीस कर रख दिया, सारे चीज़ें मेरी रेडी हो गया। ये दाल है, दाल में थोड़ी सी चावल में मिला दिया था, राइस मिला दिया था क्रिस्पी होने के लिए। ये छोले में भिगो कर रख दिया था। तो सारे वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, आप लोग देखते रहिए। आज मैं एक रिश्तेदार के घर पे भी टिफ़िन भेजने वाली हूँ, इफ्तार की टिफ़िन। तो देखते रहिए आप लोग, टिप्स ना करते हुए वीडियो के एंड तक देखते रहिए। यहाँ पर जल्दी जल्दी में मैंने सब काम कर रही थी, क्योंकि वीडियो बनाने में भी बहुत वक्त लग जाता है। ऐसे रोज़े में तो हम लोग को कुरान शरीफ भी तिलावत करना होता है, मुझे टाइम बहुत ज़्यादा है, वीडियो में भी बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी में सब काम करना पड़ता है। ये देखिए कस्टर्ड पुडिंग तैयार हो गया।
फिर से मिलूंगी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।